उससे भी थोड़ा बहुत आराम तो मिला, लेकिन सरकार का फोड़ा, पेंशन विरोध का फोड़ा, ईपीएस 95 के विरोध का फोड़ा ठीक नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? तो अब हमने सोचा है कि इस फोड़े का इलाज अब कड़वी दवाई से नहीं होगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन है नोटा और हरियाणा क्या होती है, हमने ये बताया। लेकिन इससे पहले हम वोट की बात करेंगे। देखिए, हमारे देश में हमने एक आरटीआई लगाई और हमने चुनाव आयोग से पूछा कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है, तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम नहीं बता सकते कि आपके वोट की वैल्यू क्या है। मतलब समझ रहे हो हमने क्यों, अच्छा ये प्रश्न क्यों आया कि वोट की वैल्यू, वोट की वैल्यू मतलब। सभी को नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और हम आपकी बात उठा रहे हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और राजनीति में भूचाल की बात कर रहे हैं। आज ये राजनीति में भूचाल की 5वीं वीडियो है, तो आज की वीडियो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, देखिए। और बहुत सारी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, सूचना दे दूं, या फिर कहें कि कुछ लोग इसे न्यूज कहते हैं, मैं इसे न्यूज नहीं कहता, मैं इसे कहता हूं कि आपके एक्शन का रिएक्शन, आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया। सरकार में क्या हो रहा है ये बताऊंगा और ये बताने के बाद हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी अलग हटके हो रही है। लेकिन हाँ, याद रखना है हमारा एक ही हथियार है, नोटा, नोटा को दबाना है और हमें पेंशनर को जिताना है, पेंशनर के मुद्दे को जिताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक पिछले 10 साल से मैं किसी आंदोलन पे वो सवाल नहीं उठा रहा हूं, पिछले 10 साल से पेंशन रूपी फोड़ा, पेंशन के विरोध का जो फोड़ा सरकार के दिमाग में हो गया था, उस फोड़े के इलाज करने के लिए, उस फोड़े को हटाने के लिए सरकार के दिमाग में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा कह लीजिए या अल्सर कह लीजिए या क्या कह लीजिए, दिमाग ट्यूमर, एक ट्यूमर हो गया था सरकार के दिमाग में। और उस सरकार के दिमाग में ट्यूमर क्या हो गया कि पेंशन विरोध का ट्यूमर, कि पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार नहीं देना है। तो उस पेंशनर, पेंशन के फोड़े का इलाज करने के लिए जो हमारे नेता थे पिछले 10 साल से, वो कौन सी गोली दे रहे थे सरकार को? मीठी गोली, चूरन वाली गोली, वो गोली दे रहे थे। और उस गोली से सरकार को कुछ हो नहीं रहा था, सरकार से रो रहे थे, गड़गड़ा रहे थे, सरकार को लेटर लिख रहे थे, लेकिन सरकार को उस मीठी गोली से सरकार के ट्यूमर का इलाज नहीं हो रहा था। तो फिर क्या किया जाए? तो हमने और आपने तय किया कि भाई मीठी दवाई से इलाज नहीं होता, इसलिए दवाई दो कड़वी। तो जब हमने आपने तय किया तो कड़वी दवाई दी, 11 लाख की चेतावनी, तो कड़वी दवाई थी। लेकिन सरकार का फोड़ा तीसरी स्टेज को पार कर चुका है, ये जो ट्यूमर है ये कैंसर में बदल चुका है, ये तीसरी स्टेज को पार कर चुका है। तो उसकी जो कड़वी दवाई है उससे भी थोड़ा बहुत आराम तो मिला, लेकिन सरकार का फोड़ा, पेंशन विरोध का फोड़ा, ईपीएस 95 के विरोध का फोड़ा ठीक नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? तो अब हमने सोचा है कि इस फोड़े का इलाज अब कड़वी दवाई से नहीं होगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन है नोटा और हरियाणा के चुनाव में हम सरकार को ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि सरकार का ये फोड़ा ठीक हो जाए। और अगर इंजेक्शन से भी काम ना बना तो महाराष्ट्र के चुनाव में इसका चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन ही कर देंगे, फोड़े को निकाल के बाहर फेंक देंगे। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? ये जो पेंशनर के नेता है ना, ये फिर ले आते हैं, नई खबर ले आते हैं। अब श्रम मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, श्रम मंत्रालय से खबर आ रही है, वो खबर इनके आंदोलन की वजह से नहीं आ रही है, वो खबर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो इसलिए आ रही है कि आपने 11 लाख की चेतावनी दी, पीएमओ को लेटरों से पाट दिया, इसलिए खबर आ रही है। इनके आंदोलन से खबर आ रही होती ना तो पिछले 10 साल से मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी से भी मीटिंग कराए, कुछ नहीं हुआ। तो इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये जो पेंशनर खुद लड़ने लगा ना अपनी लड़ाई, उसकी वजह से हो रहा है। जो आप खड़े हो गए, मसीहा की वजह से नहीं हो रहा, आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, उस वजह से हो रहा है। और सरकार डरी हुई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, सरकार डरी हुई है। इसीलिए हरियाणा चुनाव में मैं बार बार कहता हूं कि आपको कमजोर नहीं पड़ना है, आपको इन मीठी गोलियों के चक्कर में नहीं आना, इन नेताओं की बात में, इन यूट्यूबर्स की बात में नहीं आना कि सरकार कुछ कर रही है, कर रही है, कर रही है। करे या ना करे, इंजेक्शन तो लगेगा और नोटा का इंजेक्शन हरियाणा के चुनाव में लगेगा और पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लगेगा। और इंजेक्शन से भी काम नहीं बना, वैसे तो मुझे लगता है इंजेक्शन से काम बन जाएगा, क्योंकि जब कड़वी दवाई दी थी 11 लाख की चेतावनी तो सरकार के तोते उड़ गए थे। उसके बाद अब जो इंजेक्शन लग रहा है तो सरकार फटाफट मीटिंगों पे मीटिंगें करे जा रही है, लेकिन इन मीटिंगों से
बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाने से कुछ नहीं होगा। हम भ्रम में नहीं आएंगे, हम तो इंजेक्शन लगा के मानेंगे, हम तो नोटा दबा के मानेंगे, और उस नोटा को दबाने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं बना तो फिर हम सीधा सीधा ऑपरेशन कर देंगे महाराष्ट्र में। यानी ऑपरेशन बताऊंगा क्या ऑपरेशन है, अभी तो नोटा की बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम डेमोक्रेसी पे बात करेंगे। देखिए वीडियो चल रही है, राजनीति में भूचाल की बात कर रहे हैं, तो हमने डेमोक्रेसी की बात करेंगे और कैसे हमारे वोट को चेंज कर दिया जाता है, कैसे हमारे वोट में असर डाल दिया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। दुनिया में दो तरह का लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधा निर्णय लेती है, जैसे 10,000-20,000 आदमी ने कुछ लिख के दे दिया तो वो कानून बन जाएगा। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जनता अपने प्रतिनिधि के जरिए नियम या कानून बनाती है, जैसे भारत में है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत में क्या है कि जनता, बहुत सारी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है चुनाव के जरिए, और वो प्रतिनिधि कानून बनाता है, यानी वो प्रतिनिधि आपकी नियम कायदे बनाता है। यानी हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनको समझना, इनके गुण और दोष समझना, ये मैं इस विषय पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इसका नुकसान और फायदा बताऊंगा। इसका नुकसान तो ये कि जनता के हाथ से पावर छिन के नेताओं के हाथ में चली जाती है, क्योंकि जनता फिर कुछ कर नहीं सकती, जो नेता संसद में बैठा है वही काम करेगा। उसने वोट देने की पावर जनता के हाथ में है और निर्णय करने की पावर उसके प्रतिनिधि के हाथ में है, तो इसलिए इसमें एक कमजोरी तो है कि निर्णय जनता से छिन जाता है, डायरेक्ट इसमें भागीदारी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जब इसका फायदा मैं बता दूं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, देखिए बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो निर्णय लेने में बड़ा टाइम लगेगा। सपोज करिए हमारे देश पर आक्रमण हो जाए या हमारे देश पर कोई विपदा आ जाए और निर्णय लेना हो, तो इतने सारे लोगों को बिठाएंगे तो उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को बिठा लें जो नुमाइंदे हैं, तो वो फटाफट शायद सहमत भी हो सकते हैं या कोई योजना बना सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना समय लगेगा कोई योजना को बनाने में। तो जब डिफेंस की बात होगी, जब रक्षा की बात होगी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेहतर होगी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेहतर कहाँ नहीं होती है, जब विकास की बात होती है। सपोज करिए अब हमें एक क्षेत्र का विकास करना है और क्षेत्र में अलग अलग तरह की आबादी रहती है, तो कोई आदमी आ गया, उसने फटाफट निर्णय ले लिया। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये नहीं जानती कि गांव देहात में क्या जरूरत है, वो तो दिल्ली में बैठ के योजना बनाते हैं एयर कंडीशनर में। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां बेहतर है जब डेवलपमेंट की बात करें। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सब लोगों की राय ली जाए, सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, स्वराज की बात हो और सब लोगों की भागीदारी हो, और सबकी सहमति बनाकर, मोस्ट ऑफ दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति बनाकर तब निर्णय लिया जाए। और इसमें देर लगती है, ये नहीं कि फटाफट कोई आदमी आया सुबह एक बिल्डिंग बना दी, वो देखता है किसका घर जा रहा है, किसका घर उस बिल्डिंग में आ रहा है, किसकी जमीन आ रही है, सब पक्षों से बात करके उनको उचित तरीके से मना कर या जैसे भी उनको सेटिस्फाइड करके उनको आपस में मिलाकर, और फिर सबकी राय के साथ जो चलता है वो लोकतंत्र है, वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधी शॉर्ट टर्म में बोलूं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे को अधिकार देती है जनता को सीधा। कुछ देशों में ऐसे है कि जनता लिख के दे देगी, 1,000-2,000 आदमी लिख के दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। हमारे देश में 1 करोड़ भी आदमी कुछ चीज लिख के दे दें, पेंशनर अगर 10, कितने पेंशनर हैं, 95 लाख तो 85 लाख तो है ही, अगर 85 लाख अगर किसी और देश में होते जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर वो लिख के दे देते कि हमें पेंशन चाहिए, तो संसद की औकात नहीं थी कि वो उसे रोक देती, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती। लेकिन ये सांसद लिख के देंगे तभी बिल पास होगा, यानी कि अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यानी ये 85 लाख लोग कितना भी चीख लें चिल्ला लें, इनको इनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो मैंने दोनों डेमोक्रेसीज के फायदे और नुकसान बता दिए। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो फायदे हैं उनको मिलाकर कुछ ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि इसमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। यानी जब हमारे देश पे कोई मुसीबत आए तो हम इनडायरेक्टली भी काम कर पाए, हम डिसीजन ले पाए, जैसे कि सेंट्रलाइज डिसीजन हो जाए हमारा। लेकिन जब हमें विकास की बात हो तो हम इनडायरेक्ट हो जाएं, यानी हम डायरेक्ट हो जाएं, यानी कि हम एक एक आदमी से बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें और उसका डेवलपमेंट करें। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अभी हमारा पूरा देश चल रहा है वो नेताओं के भरोसे चल रहा है, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो नहीं है, इसीलिए
यहाँ जंतर मंतर पर अपने धरना प्रदर्शन होते हैं, लाखों लोग आते हैं, मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन वो 225 लोग, 250 लोग या 272 लोग, 272 लोग जो पास कर देंगे, अगर किसी को कहते हैं बहुमत से पास कर दें किसी बिल को, वो लोग उन लोगों की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो यही मैंने बताया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम हमारे देश को ना तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे देश को इन दोनों के बीच का कुछ जस्ट चाहिए। कहते हैं ना गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है समभाव, ना इस पलड़े में बैठना है ना उस पलड़े में बैठना है, ना नेगेटिव होना है ना पॉजिटिव होना है, ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें दोनों चीजों के गुण आ जाए। न्यूट्रल अप्रोच चाहिए हमें, और न्यूट्रल अप्रोच कब मिलेगी? न्यूट्रल अप्रोच तब मिलेगी जब हम इन पुरानी दकियानूसी चीजों को छोड़ेंगे कि हम यूरोपियन आए तो वो ज्यादा बहुत नॉलेजेबल थे, या फिर और विदेशी ज्ञान आया, जो हमारा अपनी जड़ें थी, जो हमारा अपना ज्ञान था, जो हमारा अपना सिस्टम था, जो हमारा स्वदेशी सिस्टम था, या जो हमारी गुण थे उनको याद करना है और बाहर से भी सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेश से नहीं सीखना, उनसे भी सीखना है, लेकिन हमें अपनी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों? हम इतने हजारों साल तक बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई लेकिन हम सस्टेन करते रहे। क्यों सस्टेन करते रहे? कि हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट था, हमारा सिस्टम नेचुरल था। अभी जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है वो सारा आर्टिफिशियल चल रहा है, यानी कि थोपा हुआ सिस्टम चल रहा है। आपको पुलिस के पास जाते हो तो आपका काम नहीं होता, आप कोर्ट में चक्कर लगाते हो तो आपका काम नहीं होता, आप सरकारी बाबू के पास जाते हो तो आपका काम नहीं होता, आप लाखों की संख्या में पेंशन मांगते हो तो आपका काम नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? लोग भी हैं, डिमांड भी है, मुद्दा भी है, तो ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब लोग इस सिस्टम के अंदर चोर उचक्के ही बढ़ रहे हैं आगे। उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है और जनता को लड़ाने से मतलब है। हिंदू मुसलमान कराओ, दलित ब्राह्मण कराओ, या ओबीसी कराओ, या आदिवासी कराओ, या कुछ भी कराओ, जो बेमतलब के मुद्दे हैं उसमें उलझाओ और अपना उल्लू सीधा करो। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, और इसको बदलेगा कौन? इसको बदलेंगे हम और आप, ये नेता लोग नहीं बदलेंगे। और हम और आप इस सिस्टम में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर वही बढ़ता है जो चापलूस होता है, चमचा होता है, या पैसे, धन बली, बाहुबली, ऐसे गुण होंगे वही भरेगा। कोई अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी कभी भी इस सिस्टम के अंदर ग्रो नहीं करेगा। तो इस सिस्टम के अंदर हमें क्या बदलाव करना होगा, व्यवस्था क्या बदलनी होगी, उसके विषय में अभी मैं आज तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं सिस्टम की बात बता रहा हूं। मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बताई, मैंने आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताई, मैंने दुनिया का सिस्टम बताया, और हमने हमारी अप्रोच क्या होती है हमने ये बताया। लेकिन इससे पहले हम वोट की बात करेंगे। देखिए हमारे देश में हमने एक आरटीआई लगाई और हमने चुनाव आयोग से पूछा कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है, तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम नहीं बता सकते कि आपके वोट की वैल्यू क्या है। मतलब समझ रहे हो हमने क्यों, अच्छा ये प्रश्न क्यों आया कि वोट की वैल्यू, वोट की वैल्यू मतलब किसी वोट की तो वैल्यू होगी। सपोज करिए देश के अंदर 70% वोट की वैल्यू जीरो कर देती है ये चुनाव आयोग। कैसे कर देती है मैं बताता हूँ आपको। एक विधानसभा के अंदर चार प्रत्याशी लड़े और एक को मिले 20,000 वोट और बाकी सबको उससे कम मिले 20,000 से, तो 20,000 वाला जीत गया, बाकी जो 80,000 वोट बटे या इधर उधर पड़े या नहीं पड़े वो सब जीरो। उन सबके वोट की उन्होंने डाला, वोट कास्ट किया, वोट किसी और उम्मीदवार को वोट किया, उन सबको ये हरा देगा ये पॉलिटिकल सिस्टम और उनके वोट की वैल्यू जीरो कर देगा। भाई हमने अपने वोट की, हमारे वोट, हमने तो वोट दिया ना किसी को जिताने के लिए, तुमने कैसे हरा दिया? अगर मैं वोट कर रहा हूं किसी को अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए, तो चुनाव आयोग उस वोट को जीरो क्यों करता है? जीरो करने से मतलब मेरा, समझ रहे हो, इस देश के अंदर मोदी सरकार 33% के लगभग पड़े हुए मतों पर बन गई और बाकी जो 67% था उसे हराया गया है। अगर मोटी मोटी उसमें देखें तो 67% लोगों ने इस मोदी सरकार को नहीं चुना। हर सरकार के साथ ऐसा ही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी वो भी 50% तक मुझे लगता है शायद पहुंची हो। कोई भी सरकार देश की अब तक देश के आधे लोगों का भी समर्थन लेकर सरकार नहीं बनी है। तो सरकार कैसे बन जाती है जब देश के आधे से भी कम लोगों का समर्थन ना, क्यों बन जाती है? क्योंकि ये सिस्टम गड़बड़ है, इस सिस्टम में सिलेक्टिव अप्रोच है। हम बात करेंगे आज सिलेक्टिव अप्रोच की और कलेक्टिव अप्रोच की। सिलेक्टिव अप्रोच को हम बात कर लेते हैं, फिर मैं अगला वीडियो, देखिए वीडियो काफी बड़ा होता है मेरा आज, मैं एक दो पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमने डेमोक्रेसी डिस्कस की, हमने सिस्टम डिस्कस किया कि वोट की वैल्यू क्या है और वोट की वैल्यू चुनाव आयोग क्यों जीरो करता है, किसी को हराता क्यों है, एक वोट से किसी को जिता देता है, किसी को हरा देता है, इसको किसने अधिकार दिया कि जनता के वोटों को फेंक देना या जीरो कर देना, इसने इसे किसी, तभी तो ये वोट की वैल्यू नहीं बताता, इसका मतलब इसमें कुछ खेल है। लेकिन
इन सब चीजों को जानने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। देखिए बहुत ही मैं अभी आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ सिस्टम की, और मैं उपाय बताऊंगा कि ये सब इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ तो इससे क्या समझे हम। मोटा मोटा ये समझे कि देश में, एक तो हम आज की वीडियो से ये समझेंगे कि देश में ना तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, बीच का रास्ता चाहिए। देश में वोट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। वोट की वैल्यू जीरो होने का मतलब समझते हो कि जिस तरह से हरा दिया जाता है किसी को, हराए ना, पहला दूसरा नंबर ऐसे इस तरह से रखें कि भाई तू फर्स्ट है वो सेकंड है। बताऊंगा कैसे होगा ये, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और तीसरी बात हम जो कहने वाले हैं कि देश में सिलेक्टिव अप्रोच चल रही है। सिलेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि बहुत सारे लोगों में से एक को चुनना, जैसे चार कैंडिडेट खड़े हैं तो हम एक को चुन लेते हैं, बाकी को हम फेंक देते हैं। हमें कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है। कलेक्टिव अप्रोच यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी, यानी कि कभी कभी कहते हैं इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो मैं पहले सिलेक्टिव अप्रोच बताता हूँ कैसे सिलेक्टिव अप्रोच है। देखिए आप एक विधानसभा का चुनाव लेते हैं, उसमें चार या पांच या दस या बीस कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उसमें से हम एक निकालते हैं बाकी सबको फेंक देते हैं। यानी कि हमने एक निकाला, वो एक सबका सबका प्यारा नहीं था, वो एक सबका प्रिय नहीं था, वो मुश्किल से 20% लोगों का प्रिय था। जो एक आदमी निकला ना वो 20% लोगों का प्रिय था, यानी हमने 80% वोटों को या 70% वोटों को फेंक दिया। किसी को 20 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 25% 30%, क्योंकि आधे तो वोट पड़ते ही नहीं है। जो नहीं पड़ते उनका तो मत नहीं आया, जो पड़ता है उसमें से भी जिसको सबसे ज्यादा मिल जाते हैं वही जीत जाता है। तो वो एक सबका प्यारा नहीं है, यानी हमने बहुत सारे वोटों को जो उसको पसंद, जिससे उनका कोई मतलब नहीं है, वो लीडर निकाला है। वो लीडर नहीं है, वो उन उन उस ग्रुप का लीडर है जिसने उसे वोट किया, बाकी किसी का वो लीडर नहीं है। जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया उनका भी लीडर नहीं है, और जिन्होंने वोट ही नहीं दिया उनका भी लीडर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार तो हमने सिलेक्शन किया यहाँ पर, फिर क्या करते हैं हम विधानसभा में, हमने अपना MLA भेजा या MP भेजा हमने लोकसभा में, तो हमने क्या किया, सारे लोगों को मिलकर इकट्ठा कर जिताकर भेजा। सपोज करिए आपने BJP के भी जिताकर भेजे और कांग्रेस के भी जिताकर भेजे, तो विधानसभा या लोकसभा में क्या होता है, फिर से सिलेक्टिव अप्रोच आती है। उसमें से आधे तो हम फेंक देते हैं कि तू विपक्ष बन जा, उनको कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाएंगे। यानी हमने जीते हुए को फिर हराया, पहले हमने हराया अपने जनता में से 70% वोटर्स को, जिनके उम्मीदवार को, और फिर हमने क्या करा कि जो जीत के पहुंच गए संसद में या विधानसभा में उनमें से भी आधों को विपक्ष बना दिया। अरे भाई क्यों बनाया विपक्ष, जनता ने तो सबको जिता के भेजा था, तो सबकी सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन आधों को हमने फेंक दिया और आधों को हमने ले लिया। यानी फिर से हमने लोगों को उसमें से डिस्क्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया, डिस्क्लूड किया। अब उसके बाद भी अगर MP रह गए या MLA रह गए, तो उसमें से भी MLA के पास कोई पावर नहीं होती। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक नियम होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि MLA कुछ भी किसी भी कागज पे हस्ताक्षर कर नहीं सकता, सिर्फ मंत्री कर सकता है। तो फिर वो सारे MLA बेकार हैं, चाहे वो BJP के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, वो सिर्फ हाजी की नौकरी नाजी का घर। वो विधानसभा में लोकसभा में व्हिप पे काम करते हैं, व्हिप जारी हो गई, हाजी आज हमने ये प्रस्ताव लाए हैं, टेबल बजा दो और प्रस्ताव पारित कर दो। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक डमी है लोकतंत्र दिखाने के लिए। ना तो वो अपनी राय दे सकते हैं, सत्ता के विरुद्ध होगी, कुछ नहीं दे सकते, वो सिर्फ व्हिप के जरिए सिर्फ वोट कर सकते हैं। तो बाकी वो भी बेकार हैं। कौन बचे, अब मंत्री बचे, यानी कि हमने फिर डिस्क्लूड कर दिया। डिस्क्लूड करने के बाद उनकी भी राय फेंक दी हमने, और दो चार पांच मंत्री जो रह जाते हैं उनकी पावर रह जाती है। और मंत्री को कौन करता है, मंत्री के ऊपर बैठा दिया हमने प्रधानमंत्री। मंत्री की कोई हैसियत नहीं, अगर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया ना, प्रधानमंत्री बैठेगा तो प्रधानमंत्री की राय से देश चलेगा। और प्रधानमंत्री किस पे चलता है, प्रधानमंत्री चलता है जो उसकी पार्टी को फंड करता है, जो उसको पैसा करता है। तो देश इनडायरेक्टली पैसे वालों पे, उद्योगपतियों पर इस व्यवस्था में चल रहा है, क्योंकि हम फेंकते जा रहे हैं। पहले हमने वोटर फेंका, फिर हमने जीते हुए कैंडिडेट फेंके, फिर हमने जो जीती हुई पार्टी के MLA या MP को डाउन किया, उसके बाद हमने मिनिस्टर को डाउन किया, और उसके हमने प्राइम मिनिस्टर रखा, और प्राइम मिनिस्टर उन पर रहता है जो उनकी पार्टी को फंड करते हैं, चंडा करते हैं, उनकी वजह से पॉलिसी बनती है। इसीलिए इस देश की जनता की नहीं सुनी जाती, इसीलिए इस देश की जनता के हक और अधिकार की बात नहीं होती। असली प्रॉब्लम ये है सिलेक्टिव अप्रोच। कलेक्टिव अप्रोच क्या होती, कलेक्टिव अप्रोच ये होती कि भाई हम किसी को फेंकते ना, जो भी अच्छे वोट पाता उसको हम सिस्टम में इंक्लूड करते। इसी तरीके से हम पक्ष और विपक्ष ना बनाते, हम सबको थोड़ा थोड़ा हक और अधिकार देते, और पक्ष और विपक्ष का सिस्टम ही नहीं होता, अलग अलग
पक्ष होते और वो सब मिलकर पूरे देश को चलाते। इसी तरह संसद में होता और एक प्रधानमंत्री सुप्रीम नहीं होता, क्योंकि वो भी तो एक एमपी है, सबका सबकी भागीदारी होती, बस काम बटे होते, वो उसके काम में टांग नहीं अड़ाता, वो उसके काम में नहीं टांग अड़ाता, तो होता सच्चा लोकतंत्र। अभी ये जो लोकतंत्र के नाम पे चल रहा है, ये राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि हम इसमें से राजा ही निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री एक निकालना यानी राजा निकालना, और ज्यादा निकालना यानी नौकर निकालना, अब नौकर या सेवक निकालना। अब मैं बात करूंगा ये कैसे होगा, इसमें कैसे आमूल चूल परिवर्तन कैसे होगा। हम कहते तो लोकतंत्र है, जनता का राज, लेकिन जनता को झूठ बोलते हैं, जनता को फेंकते चले जाते हैं, पहले उनके वोट की वैल्यू को जीरो करते हैं, फिर हम उनके जीते हुए कैंडिडेट को विपक्ष में बैठाकर जीरो करते हैं, फिर हम जीते हुए एमपीज को सत्ता पक्ष को जीरो करते हैं, फिर हम मंत्रियों को जीरो करते हैं, बाद में प्रधानमंत्री बनाते हैं उसको भी जीरो कर देते हैं, और उद्योगपतियों के या चंदा देने वालों के हाथों वो खेलने लगता है, कभी कभी विदेशी शक्तियों के हाथों भी खेलने लगता है। तो ये देश का सिस्टम है, इस सिस्टम से विकास नहीं होगा, इस सिस्टम से विनाश ही होगा। तो फिर करेंगे कैसे, हम इसमें परिवर्तन करेंगे कैसे, मैं बताऊंगा आपको हम इसमें कैसे परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हरियाणा चुनाव के अंदर नोटा दबाना है और नोटा का इंजेक्शन लगाना है। सरकार को अब इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, और इंजेक्शन से भी नहीं मानी तो अगली बार ऑपरेशन ही कर देंगे इसका, और महाराष्ट्र में इसका हो जाएगा ऑपरेशन, और ऐसा तंगड़ा वाला ऑपरेशन होगा कि पेंशन का ट्यूमर निकल के गायब हो जाएगा, या फिर सरकार ही गायब हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं सरकार ही ना गायब हो जाए। आपको क्या लगता है, आज मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बात की, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बात की, वोट की वैल्यू बताई, कलेक्टिव अप्रोच बताई और सिलेक्टिव अप्रोच बताई। इस देश को सिलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है, इस देश को कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बात समझ लो, एक प्लेट में केला सेब संतरा बहुत सारी चीजें रखी हुई हो और आपको एक फल चूज करना है, तो क्या करोगे? क्या केला सबको रिप्रेजेंट करेगा? क्या सेब सबको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। हमें उन सबको अगर सही दिशा में बोलना है तो उन सबकी चाट बनानी पड़ेगी, थोड़ा केला डालना पड़ेगा, थोड़ा सेब डालना पड़ेगा, थोड़ा कुछ और डालना पड़ेगा, आम डालना पड़ेगा। तो इस देश को चाट की जरूरत है, केला सेब संतरा इनकी जरूरत नहीं है। इस देश को कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है, इस देश को हीरो नहीं चाहिए, इस देश को बहुत सारे छोटे छोटे हीरो चाहिए, और सब मिलकर देश चलाएं, क्योंकि सबका देश है, और जब सब चलाएंगे तभी देश का कल्याण होगा। हम हमेशा एक को चलाने देते हैं, इसलिए वो मनमानी करता है, कभी नागनाथ आता है, कभी सांपनाथ आता है, कभी इस पार्टी का आ जाता है, कभी उस पार्टी आ जाता है। अरे सबकी सरकार कब बनेगी? ऐसा था जब आजादी शुरू शुरू में आजादी थी, तो शायद मुझे लगता है देश की सरकार काफी हद तक थी, क्योंकि नेहरू जी की गवर्नमेंट में आपको समझ लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, तो उस समय शायद कह सकते हो कि जब आजादी मिली तो शायद कुछ हद तक देश की सरकार थी, क्योंकि हर तरह के लोग उस सरकार में शामिल थे। ऐसा नहीं था कि इसी पार्टी के ही मिनिस्टर बनेंगे, उस पार्टी के नहीं बनेंगे, लेकिन वो सब खो गया क्योंकि ये लोग सेल्फिश होते चले गए, ये पार्टी में बनते चले गए, अब ये देश भी टुकड़ों में बांट देंगे। पार्टीबाजी इतनी हो गई है कि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी की सुनना नहीं चाहता, और एक दूर से ही कहते हैं, अच्छा तू आरएसएस का है, अच्छा तू आरएसएस का है तो अछूत हो गया, अच्छा तू मायावती का है तो तू अछूत हो गया, अच्छा तू कांग्रेस का है तो तू देशद्रोही हो गया, तू बीजेपी का है तो तू देशद्रोही हो गया, ये चल रहा है इस देश के अंदर। अरे सब इस देश के नागरिक हैं, सब मिलकर कब चलाएंगे? ये सब मिलकर तब चलाएंगे जब ये सिस्टम को पलटा जाएगा, और सिस्टम को पलटने का वायरस है मेरे पास, बताऊंगा, देखते रहिए।